अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चिकन एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी, जिसमें ना आप लोगों को दही डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना प्याज डालने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसानी से, झटपट से हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में आप लोगों ने दे देने हैं ऑयल। इसमें डालते हैं आप लोग टमाटर, ठीक है। एक टमाटर को दो हिस्सों में कट कर देना है, ठीक है। मैंने दरमियान से कट कर दिया। दो मिनट इसको पकाएंगे, दो मिनट मैंने इसको पकाया है। इसका छिलका बिल्कुल उतरने लग गया, आप लोग देख रहे होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसका छिलका रिमूव कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुके हैं, ठीक है। टमाटर को गलाने का एक ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप लोग इसको दरमियान से कट करके ऑयल में छोड़ दें। उसके बाद दो मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि छिलका कितनी आसानी से रिमूव हो जाएगा और टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो माशाल्लाह से मैं इसको मैश कर रही हूँ। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसके अलावा आप लोगों ने डेढ़ चम्मच इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। बिल्कुल प्याज के बग़ैर, दही के बग़ैर हमें ये चिकन तैयार करना है। तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें जो जो मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रही हूँ वो डालते जाने हैं। चिकन मैंने इसमें डाल दी, चिकन का कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्चें, हसबे ज़ायका, नमक। ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। ज़बरदस्त तरीके से मैं इसकी भुनाई करती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से चिकन हमारा गल चुका है, मसाला हमारा भुन चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज़ में। बिल्कुल आप लोगों को प्याज दही डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और माशाल्लाह से इतना आप लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि आप लोगों ने प्याज या दही को स्किप किया है। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फाइनल लुक आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।